दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का मोबाइल फास्ट चार्जिंग नहीं होता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिसका मोबाइल फास्ट चार्जिंग नहीं होता है। बस हम लोगों को अपने मोबाइल में एक सेटिंग करना है और सेटिंग करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का मोबाइल बहुत जल्द ही फास्ट चार्जिंग होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए व्यक्ति हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, इस रेड वाले बटन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। उसके बगल में एक बेल का आइकन मिलेगा तो इसको भी प्रेस कर देना है ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच सके। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन मिलता है तो इस पर प्रेस करके आप लोगों को मेरे इस वीडियो पे अपने दोस्त लोगों के व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर शेयर कर देना है ताकि वो भी स्टोरी को सीख सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। तो चलिए मैं अपने मोबाइल के सेटिंग में चलता हूँ। दोस्तों जैसे ही सेटिंग ओपन हो जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर एक सेटिंग ढूंढना है। उस सेटिंग का नाम है डेवलपर ऑप्शन। आप लोगों को सेटिंग कहीं भी मिल सकता है, मेरे मोबाइल में वह सेटिंग एडिशनल सेटिंग में दिए हुआ है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन का एक सेटिंग मिलता है तो हम लोगों को इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए उस सेटिंग को यहाँ पर ढूंढते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे पर हम लोगों को उस सेटिंग को ढूंढना है जिसकी हम लोगों को ज़रूरत है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब यहाँ पर वह सेटिंग मिल चुका है, सेटिंग का नाम है सेलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी सेटिंग को आप लोगों को अपने मोबाइल में ढूंढना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपका MTB पर क्लिक होगा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है आपका PTP पर कनेक्ट हो, तो अगर इन दोनों पर होगा तो आई होप दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका मोबाइल बहुत जल्द फास्ट चार्ज नहीं होता होगा, क्योंकि चार्ज ओनली पर ही रहेगा तो हम लोगों का मोबाइल फास्ट चार्जिंग होगा। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन किसी और काम के लिए दिए हुआ है। यहाँ पर MTP का मतलब हुआ मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आप अपने मोबाइल से कोई वीडियो या फिर ऑडियो को लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को ये ऑप्शन दिए हुआ है। अगर हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो अपने मोबाइल से उस कंप्यूटर में सिर्फ ऑडियो या सिर्फ वीडियो ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर PTP का ऑप्शन दिए हुआ है। तो अगर आप अपने मोबाइल से लैपटॉप में सिर्फ पिक्चर ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन दिए हुआ है। अगर इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम लोग अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो मेरे मोबाइल से सिर्फ पिक्चर ही ट्रांसफ़र हो पाएगा, ऑडियो या फिर वीडियो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। और जब हम लोग चार्ज करेंगे तो हम लोगों को सिर्फ चार्जिंग ओनली पर क्लिक करके रखना है। मान लेते हैं कि कभी कभी बिजली नहीं रहती है और हम लोग लैपटॉप से ही अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते रहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को सिर्फ चार्जिंग ओनली पर क्लिक करके रखना होगा ताकि हम लोगों का मोबाइल अच्छे से चार्ज हो सके और फास्ट में चार्ज हो सके। तो अगर आप इस सेटिंग को कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का मोबाइल बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज हो जाएगा। तो बस यही वो सेटिंग था जो हम लोगों को अपने मोबाइल में करने थे। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।